नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर अनामिका। मैं डॉक्टर अनामिका पेन स्पेशलिस्ट हूँ और जो सी के बिरला हॉस्पिटल में काम करती हूँ, और अपना ओन क्लिनिक भी है मेरा विद द नेम सिंह ऑर्थोपेडिक एंड पेन क्लिनिक इन सेक्टर 46 1164। एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ पेन कंडीशंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 8368910203। यू कैन व्हाट्सएप फॉर द अपॉइंटमेंट। आज की जो वीडियो है वो इट इज़ अबाउट पुडेंडल न्यूरालजिया। पुडेंडल न्यूरालजिया आपने ये नाम बहुत कम सुना होगा, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कम है, सो आई थॉट वी शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस कंडीशन के सिम्टम्स ऐसे होते हैं पेशेंट खुल के सबके सामने बोल नहीं पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रियलाइज दैट इट इज़ अ कंडीशन, इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड देर इज अ सोल्यूशन फॉर इट, देन ओनली यू कैन रिकोगनाइज एंड कम टू अ पेन स्पेशलिस्ट। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। पुडेंडल नाम कहाँ से आया है? पुडेंडल जो नर्व होती है हमारे शरीर में, जो हमारे पेल्विक एरिया जो नीचे का हिस्सा होता है उस पार्ट को सप्लाई करती है, ये नर्व जो होती है। न्यूरालजिया मतलब जो नर्व रिलेटेड पेन होता है उसको हम न्यूरालजिया बोलते हैं। इसमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को? जो पेल्विक एरिया होता है हमारे, जो दोनों पैरों के बीच का एरिया है, उसमें पेशेंट को काफ़ी पेन, हैवीनेस, बर्निंग सेंसेशन, चुभन होना, पिंस एंड नीडल्स की तरह पेन होना, इलेक्ट्रिक सेंसेशन जैसे शॉक जैसे पेन फील होना बीच बीच में रुक के, तो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को फील होते हैं। प्लस पेशेंट को बैठने में ज़्यादा दिक्कत होती है, पेशेंट का बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन जो आपका अपार्ट फ्रॉम योर जेनिटेलिया एरिया विच इज़ पेनिंग, आपका यूरिन का एरिया है जो जहाँ से यूरिन पास होता है वहाँ पे एरिया में पेन होना, प्लस रेक्टल पेन होना जहाँ से स्टूल पास होता है वो एरिया में पेन होना, ये कंबाइंड सारे सिम्टम्स पेशेंट को आ सकते हैं। इनके अलावा यूरिनरी सिम्टम्स इनके साथ एसोसिएटेड रह सकते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स मतलब पेशेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अर्जेंसी बढ़ जाती है यूरिन पास करने की, यूरिन को कंट्रोल करना भी मुश्किल लगने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स, या कभी कभी इनमें से कुछ एक आधा सिम्टम नहीं भी हुआ तो दूसरे सिम्टम्स अगर हैं आपको, तो आप पुडेंडल न्यूरालजिया से सफ़र कर रहे हैं। इनके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि ये इनके कॉजेज क्या हैं, कॉजेज क्या होते हैं। कई बार तो इस कंडीशन का हुआ क्यों है ये पता ही लगाना मुश्किल हो जाता है और कोई कॉज मिलता भी नहीं है। बट कुछ केसेस में इसका कॉज मिल पाता है, जैसे कुछ साइक्लिस्ट होते हैं या हॉर्स राइडिंग करते हैं, उनके अंदर बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट प्रेशर ऑन द नर्व ये पुडेंडल न्यूरालजिया प्रेजेंट करता है। या कुछ फीमेल्स के अंदर जिनमें डिफ़िकल्ट नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेबर होते हैं, उनमें ये पोस्ट डिलीवरी पेशेंट को पेन इस तरह के आ सकते हैं और न्यूरालजिया ट्रिगर हो सकता है। और मल्टीपल अगर आपकी पेल्विक एरिया में सर्जरीज हुई हैं या आपको ट्रॉमा फ्रैक्चर हुआ है सेक्रल एरिया के आसपास, पीछे जो बटक एरिया होता है उसके अराउंड कोई इंटरवेंशन हुई है, तो ये नर्व ट्रिगर हो सकती है और आपको न्यूरालजिया हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हो गया तो उसके हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, हम एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ नर्व कंडक्शन स्टडीज करी जा सकती हैं इफ़ यू आर वेरी डाउटफुल। अगर हमें क्लिनिकली ही काफ़ी हद तक लग रहा है कि पुडेंडल न्यूरालजिया ही है, तो जो नस होती है हमारी पुडेंडल नर्व उसको हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा ब्लॉक कर देते हैं, मतलब वहाँ पे हम सुन करने की लोकल एनेस्थेटिक दवाई डाल देते हैं। और अगर हमारा पेन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है तो दिस मीन्स जब पेन रिलीफ बहुत अच्छा है तो मतलब ये नर्व आपकी अफेक्टेड थी और वो न्यूरालजिया काफ़ी हद तक हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपको पुडेंडल नर्व के कारण ही हो रहा है। एक बार हमें पता चल गया टू ब्रेक द पेन साइकिल, वन ऑप्शन इज़ टू गिव मल्टीपल इंजेक्शंस कुछ कुछ टाइम गैप के बाद, 15 दिन या फिर मे बी वन मंथ और 2 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट पेन, कब वो वापस आ जाता है। इसके साथ साथ हमको मेडिसिन चलानी होती हैं जो न्यूरोपैथिक पेन के लिए होती हैं, नर्व रिलेटेड स्पेसिफिक नर्व से रिलेटेड पेन के लिए जो मेडिसिन होती हैं वो हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से शुरू करते हैं। प्लस कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी हम इसके साथ दे सकते हैं। अगर पेशेंट को इनके कारण कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो एंटी डिप्रेसेंट्स भी चला सकते हैं। तो ये सारी कंबाइंड थेरेपी होती है, बिकॉज एक बार नर्व किसी एरिया में ट्रिगर हो गई, इट्स नॉट ओनली द नर्व विच इज अफेक्टिंग यू, बिकॉज आपका पूरा लाइफस्टाइल, आपका पूरा जो फंक्शनल स्टेटस है दैट इज अफेक्टेड, एंड वो अल्टीमेटली आपके माइंड को अफेक्ट करता है। यू फील डिप्रेस्ड, यू आर मूड चेंजिंग्स, यू आर इरिटेबल,
So all these things have to be taken into account, and it should be a holistic approach to treat you. And only giving you medicine and only giving you injection will not suffice. We have to treat this as a whole. Apart from multiple injections, there is a thing, if आपको long term relief नहीं आ रहा है, but एक बार injection लगाने से आपको relief आ जाता है, but वो long term नहीं रहता है, तो हम एक radio frequency ablation ज़रूर कर सकते हैं, pulse radio frequency कर सकते हैं इस नर्व का, जो आपको कुछ long term के लिए relief दे सकता है. If everything fails, then ultimately there's a might need surgery if it is proven that you have pudendal neuralgia, and that can be taken care of with surgery, which is rarely done. So this is a very important information I thought of sharing with you people. So agar aapke koi bhi relatives ya friends is aisi koi conditions se suffer kar rahe hain, don't let them suffer, because wo in cheezon ke bare mein jaldi se open up nahi ho pate hain kisi se. तो प्लीज़ पेन स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें एंड उनको इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाएं. सो मेरी अपॉइंटमेंट्स के लिए आप 8368910203 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट टाइम्स. यू कैन ऑल्सो वीडियो कंसल्ट इफ़ यू वॉन्ट, एंड देन यू कैन प्लान योर इंटरवेंशन एज एंड वेन. And I practice in Singh Orthopedic Pain Clinic in Sector 46, 1164 house number. And also I'm working in Sikkim Birla Hospital, Sector 51, Gurgaon. Thank you for watching the video.